जो मुसलमानों के दौर में मदीना की रियासत में जो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन थी, जो उनके हकूक थे, आज आपको डेवलप्ड वर्ल्ड में नहीं मिलते। तो इसका मतलब क्या है कि रहमतुल आलमीन इंसानियत को इकट्ठा करने आए थे, तकसीम नहीं करने आए थे, नफरतें नहीं पैदा करने आए थे। और इसलिए मैं पाकिस्तान को वो मुल्क समझता हूँ कि हमने भी उधर पहुँचना है। हमारी अकलियतें बराबर के शहरी हैं, कानून के सामने वो बराबर हैं। हम वो मुल्क बनना चाहते हैं जो इंसानों को इकट्ठा करेगा। हम वो फॉरेन पॉलिसी लाना चाहते हैं जो किसी के साथ जंग में शरीक नहीं होगा, लेकिन अमन में हम सबको इकट्ठा करने के लिए तैयार हैं। मेरे पाकिस्तानियों, हम वो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जिधर एक कमजोर से कमजोर आदमी को पूरी तरह हमारा इंसाफ का निजाम इंसाफ दे। आपको पता होना चाहिए क्या मुल्क में प्रोपेगेंडा होता है कि जी मुसलमानों के माशरे में औरतों को हकूक नहीं मिलते, मगरब के अंदर औरतों को विरासत के अंदर हिस्सा 100 साल पहले मिलना शुरू हुआ, उससे पहले नहीं मिलता था। इस्लाम के अंदर कुरान और हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत 1500 साल पहले तकरीबन उन्होंने हमें हमारी औरतों को हकूक दिए थे विरासत में। तकरीबन 70% औरतों को पाकिस्तान में विरासत में हकूक नहीं मिलते। हमने अब कानून लेके आए हैं कि औरतों को रियासत उनकी विरासत के अंदर, उनकी इनहेरिटेंस के अंदर जबरदस्ती उनको पूरा उनका हक दिलवाएगी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत संभाली तो गुलामों के कोई हुकूक नहीं थे। मुसलमानों के दौर में गुलाम बादशाह बन गए। हिंदुस्तान में गुलामों ने हुकूमत की, मिस्र में गुलामों ने हुकूमत की, क्योंकि नबी का फरमान था कि उनको एक घर के फर्द की तरह रखो। जो मैं मदीना की रियासत जिस तरफ हम सफर पर निकले हुए हैं, मैं ये चाहता हूं कि हम घर के मुलाजमों को उनको भी उसी तरह रखें, उनको भी अच्छा खाना दें, उनके भी हकूक रखें, वो भी इंसान है। ये हमारे नबी की सुन्नत है।